जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर झाबुआ जिला कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के मार्गदर्शन में एक दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगता की सभी श्रेणियों में अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक रूप से अविकसित एवं सिकल सेल की आयु वर्गवार खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं सामर्थ्य प्रदर्शन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उप संचालक सामाजिक न्याय दिनेश वर्मा ने बताया कि इस आयोजन में 3 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र झाबुआ के परिसर में दिव्यांगता की सभी श्रेणियों में विभिन्न आयु वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए खेलकूद का आयोजन रखा गया है, जिसमें दिव्यांगजनों में उत्साह देखा गया। प्रातः से ही विभिन्न विकास खंडों से दिव्यांगजनों ने खेल एवं सामर्थ्य प्रतियोगिता में शामिल हुआ। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। उनके लिए यही संदेश है कि आप कहीं से भी अपने बच्चों को कम मत माने, कभी भी जो देता है वो कभी भेदभाव नहीं करता है। जरूर आपके बच्चे में कोई प्रतिभा है, बस हमको ये करना है कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए क्या प्रयास आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बस यही हमें कोशिश करनी है। और जैसा कि ये हमारा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, यहाँ हमारा सीरियल का छात्रावास भी है, उसका भी उद्देश्य ये कि बच्चों को एक ऐसा हॉस्टल उपलब्ध कराए जिसपे अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग उनकी आवश्यकताएं हैं, विशेष आवश्यकताएं हैं, उनका कैसे हम पूर्ति करें। जैसे कुछ आपके डिफरेंट नंबर बच्चे हैं, कुछ दृष्टि के क्या इशू होगा, कुछ को अस्थि बाधा वाला इशू होगा, कुछ को आने कुछ समस्याएं होंगी। दिव्यांग दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तरह तरह की प्रतियोगिता रखी गई यहाँ पर, और आप सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत सारे हमारे बच्चे इसमें फर्स्ट आए होंगे, सेकंड आए होंगे, थर्ड आए होंगे। बाकी सभी बच्चों जो भी इसमें जीते नहीं हैं, उन सभी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी हमारे सब प्यारे बच्चे हैं और हमारे आँखों के एक तरह सितारे हैं आप लोग सभी लोग, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहें। अभी 2 दिवस पूर्व भी आदरणीय कलेक्टर मैडम द्वारा CWSN जो हॉस्टल है, जिसमें आप लोग के लिए शिक्षा और अन्य गतिविधियाँ ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, उसको पुनः चालू करने की स्वीकृति दे दी है। तो अब आप लोग को यहाँ पर तरह तरह की जो गतिविधियाँ होती थी और जो शिक्षा संबंधी गतिविधियाँ होती थी, वो पुनः चालू कराई जाएंगी। और जैसा कि यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि हमारे ज़िले के जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उन लोग स्टेट स्तर पे हमारे ज़िले का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, तो इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और आगे हम और प्रयास करेंगे जो भी जिला प्रशासन कर सकता है, जिससे कि हमारे बच्चों की प्रतिभा और निखरे और भी देश स्तर पर जाके हमारे ज़िले को रिप्रेजेंट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।